लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी जी। हम अगर हम बात करें तो एमपी के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी के द्वारा जो है लाडली बहन योजना का पैसों की राशि जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हाँ, इस दिन खाते में भेज रहा हूँ, इस दिन बैंक खाते में आएगा। और आवास योजना का भी 40,000 रुपये आप सभी को जो है मिलने वाला है किस्त के हिसाब से। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना जो है, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था लाडली बहना योजना। तो इस लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो 1,250 रुपये आप सभी को जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना में सभी बहनों को जो है दिया जा रहा है लाडली बहना योजना के तहत। अगली बार अगर हम बात करें तो इस महीने आप सभी को 1,250 रुपये मिला है। हो सकता है कि अगली बार जो है अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, फिर से तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार फिर अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप सभी को जो लाडली बहना योजना में 1,250 रुपये मिलता है, 1,250 रुपये की राशि बढ़कर आप सभी के लिए जो है 1,250 रुपये से 1,500 रुपये जो है होने वाला है लाडली बहना योजना में। जी हाँ, और ये काफी अच्छी चीजें भी आप सभी के लिए जो है देखने को मिल पाएगा। तो जो जो वादे आप लोगों के लिए किए जाते हैं उन सभी वादों को अवश्य रूप से फुलफिल करने का काम, अवश्य रूप से उन सभी वादों को पूरा करने का काम जो है किए जाते हैं। तो लाडली बहनों वालों के लिए जो है ये काफी अच्छी अपडेट है। लाडली बहना में जो है बहुत ही अच्छी अपडेट, जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है और आप सभी के बैंक अकाउंट में, आप सभी के खातों में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि यकीनन बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए। और इस दिन आप सभी के बैंक खातों में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि, इस दिन आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे पैसों की राशि भी जो है ट्रांसफर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो जो वादे आप लोगों से किए गए हैं लाडली बहना योजना में, उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। और देश का पहला राज्य है एमपी, जहां पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है सभी किसानों को जो है हर साल 12,000 रुपये की राशि जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। जी हाँ, बाकी राज्यों में जो है 10,000 रुपये हैं, लेकिन जो है मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान जी थे एमपी के मुख्यमंत्री, तब उनके द्वारा शुरुआत किया गया था और उनके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर जो केंद्र में जो है 6,000 रुपये मिलते हैं, वो एमपी में जो है 12,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। 6,000 रुपये केंद्र के और 6,000 रुपये जो है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ये भी काफी अच्छी चीजें हो जाते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो 12,000 रुपये आप सभी को जो है मिलने वाला है। यकीन मानिए जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। अपने आप में जो है सबसे बड़ी बात जो है आप लोगों को जो है देखने को मिल पाती है। तो लाडली बहनों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी, लाडली बहनों को जो है सबसे बड़ी सौगात आप सभी को जो है दिए जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात, सबसे बड़ी सौगात आप सभी के लिए होने वाला है और इस दिन आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। तो सीएम मोहन यादव जी ने कहा है कि 4 से 5 तारीख यानी कि आज जो है 5 मई है, आप सभी को जो है लाडली बहनों को जो है आप सभी के बैंक अकाउंट में लाडली बहना योजना के तहत जो है आप सभी के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगले महीने से 1,250 रुपये से बढ़कर जो है 1,500 रुपये आप सभी के लिए जो है होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही बड़ी बात है। तो आप सभी के लिए जो जो वादे कर दिए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी चीजें निकाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। अपने आप में सबसे बड़ी चीजें आप लोगों को जो है देखने को मिल पाती है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन डेफिनेटली है कि आप सभी के लिए जो जो वादे किए जाते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी घोषणा पत्र जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात आ जाती है। अपने आप में सबसे बड़ी चीजें जो है देखने को मिल पाती है। तो लाडली बहना योजना के तहत आप सभी को जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर होने वाली है और आवास योजना का भी 4,000 रुपये की राशि जो आवास योजना है उसमें आप सभी को 40,000 मिल पाएगा। तो कमेंट करके बताना जो एमपी के निवासी हैं, 12,000 रुपये अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिया जा रहा हो या लाडली बहना योजना हो, ये देश का पहला राज्य है जहां पर बहुत ही अच्छे काम जो है किए जा रहे हैं, जिसमें जो है किसानों को जो है समय समय पर पैसे दिए जाते हैं, खाद के लिए भी अलग से पैसों की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप में सबसे बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो जो भी जितने भी घोषणा पत्र हो, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं,
उन सभी वादों को, उन सभी मैनिफेस्टो को डेफिनेटली इनके अवश्य रूप से पूरा करने का काम जो है किया जाते हैं। तो लाडली बहनों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लाडली बहना योजना के तहत आप सभी के लिए काफी अच्छे काम जो है किए जा रहे हैं और आवास योजना का भी 40,000 रुपये आप सभी को मिलने वाले हैं। तो सीएम मोहन यादव जी के द्वारा और सीएम मोहन यादव की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। जो भी आप लोगों के लिए मैनिफेस्टो, जो भी वादे आप लोगों से किए जाते हैं, डेफिनेटली है कि उन सभी वादों को, डेफिनेटली है कि उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम जो है मुख्यमंत्री साहब जी के द्वारा जो है किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत जल्द और लाडली बहना योजना की राशि जो है ट्रांसफर होने वाला है और भी इस पर मैं वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। तो फिर से अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनता है, नरेंद्र मोदी जी अगर बनते हैं तो लाडली बहना योजना की राशि जो है 1250 रुपये से बढ़कर आप सभी के लिए जो है 5-6 हज़ार रुपये जो है होने वाला है। और किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम जो है सीएम मोहन यादव जी के द्वारा जो है, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो है काम किए जा रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। बहुत से लोग होते हैं जिन तक वीडियोस नहीं पहुँच पाता, बहुत से लोग होते हैं जिन तक जानकारी अपडेट मैनिफेस्टो नहीं पहुँच पाता। कम से कम उन लोगों तक वीडियोज को शेयर कीजिए, उन लोगों तक वीडियोज को पहुँचाइए ताकि उन सभी तक जो है जानकारी, ताकि उन सभी तक वीडियो जो है पहुंच पाए, ताकि उन्हें भी नए नए चीज़ों के बारे में, ताकि उन्हें भी नए नए अपडेट्स के बारे में जो है जानकारी अपडेट पहुंच सके और वो भी अवगत हो पाए सभी चीज़ों के बारे में, उन्हें भी जानकारी जो है देखने को मिल पाए। बस यही चीज़ें आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ और बस यही रिक्वेस्ट है। इसके अलावा भी आप सभी के लिए VMP में बहुत ही नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए चीज़ों का पुनर्विस्थापन भी होगा, नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज भी आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, भर्ती परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर जो है हो पाएगा। तो आपको हमेशा जो है काम करते रहना, कोशिश करते रहना। देखो काम करने से, मेहनत करने से ही आपको कामयाबी मिलेगा, सिर्फ सपने मत देखो। और हर एक स्टूडेंट यही, हर एक लोग यही बोलते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने ऐसे कर लिया होता, काश। तो काश तो आने ही मत दो, जो सपना है उन सपनों को पूरा करने के लिए ना जाने कितने ज़्यादा कड़ी मेहनत, हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली है कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा जरूर, डेफिनेटली है कि तुम्हें कामयाबी अवश्य रूप से मिलेगा। बस यही चीज़ है। थैंक यू सो मच। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक वीडियोस जो है पहुंच पाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, अपना ओपिनियन जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक